नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। मोदी सरकार 2 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए। अनुच्छेद 370, 3 तलाक, मोटर व्हीकल एक्ट समेत तमाम बड़ी योजनाएं, तमाम बड़े अनुच्छेदों को किया गया है जो देश के विकास में ऐतिहासिक फैसले साबित होंगे। मोदी सरकार 2 के ऐतिहासिक फैसलों पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा में जो हमारे साथ खास मेहमान है, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और सुशासन विभाग के राज्य के प्रमुख भी हैं। प्रेम शंकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर अमित कुशवाहा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले हम पांडे जी के पास चलेंगे। पांडे जी, इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो अनुच्छेद 370 और 35A, अगर इसको देखा जाए तो जिसकी देशवासी कभी परिकल्पना करते थे कि ऐसा हो जाए, इस फैसले को एकदम ऐतिहासिक फैसला कहा गया है। एक परिवर्तन, हर आदमी की सोच थी, कई लोगों ने इसके लिए कई कुर्बानियां दी, अब जाके ये फैसला हुआ है। आप कैसे देखते हैं इन 100 दिनों को? आप देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है 100 दिनों की। बड़ी उपलब्धियों में जो आपने चर्चा किया कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसको माना जा रहा है तो धारा 370 और 35A पे जो बड़ा फैसला हुआ देश की पार्लियामेंट का। हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी धारा थी, जब देश आजाद हुआ तो पहला जो दुख था कि एक देश का टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में जन्म लिया, और उसके कुछ ही दिनों बाद की घटना हुई कि हमारा एक बड़ा भूखंड देश का हमसे छीन लिया गया, और वो दंश हम लोग वर्षों से झेल रहे थे। 70 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत माँ का वो बड़ा जो भूभाग है आज जोड़ता हुआ दिख रहा है, और उस जोड़ने में जो सबसे बड़ी बाधा थी, जो काटा था, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना जाता था, धारा 370, उसको हमने समाप्त किया है, एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया है। वो धारा तो अस्तित्व में है लेकिन अब उसका कोई बहुत मतलब नहीं। 35 एक बड़ी समस्या थी जो कहीं न कहीं से देश के नागरिकों को अपने ही देश के मुकुट के साथ, अपने ही रत्न जड़ित मुकुट है कश्मीर हमारा, और उससे हमको अलग करती थी। अब कोई शरीर अपने सिर से कैसे अलग हो सकती है? ये कुछ ऐसा संवैधानिक तरीके से संविधान में कुछ ऐसे अस्थायी प्रावधानों के चलते, विशेष प्रावधानों के चलते ये जो है चल रहा था। तो आज हम इस बात को 100 दिन पूरा होने पर बहुत गौरव के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं, मोदी सरकार ने एक चिरप्रतीक्षित अभिलाषा जनता की पूरी की है। इसके साथ ही साथ आपने जिक्र किया इंट्रो में, ढेर सारे फैसले हैं, चाहे बैंकों के विलय का फैसला हो, चाहे 3 तलाक जैसा कानून, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं की बड़ी आबादी अपने मौलिक अधिकार, जो लिंग के आधार पर भेदभाव था, जो सामाजिक कुप्रथा उनके जीवन में एक कांटे की तरह डे बाय डे चुभ रही थी, उस कांटे को उन्होंने बहुत ही घंटों भर में निकाल करके बाहर फेंक दिया। मोदी सरकार की अगर उपलब्धियों पे आप चर्चा करेंगे तो एक बड़ी उपलब्धि जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो इसमें देखते हैं कि हम हमारे देश में दाऊद जैसा आतंकवादी आता है पार्लियामेंट से लेकर के देश की महत्वपूर्ण आर्थिक राजधानी में विस्फोट करता है और चला जाता है, ऐसे मसूद का नाम आता है, ऐसे ढेर सारे आतंकवादियों का नाम, हम उनको आतंकवादी नहीं घोषित कर सकते थे। इस देश में कोई कानून ही नहीं था, हमारे पास जो कानून था उस कानून में प्रावधान था हम किसी संगठन को तो आतंकवादी घोषित कर सकते थे, इंडिविजुअल को नहीं कर सकते थे। उस कानून को हमने संशोधित किया। इस तरह से लंबी फेहरिस्त है 100 दिनों की, जिसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस यूपी एनडीए के कार्यकाल को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार पिछली बार से ज्यादा बहुमत मिला और बहुमत के साथ ही आकांक्षाएं और ज्यादा हो गई जनता की, तो आप देखते हैं सरकार ने जो 100 दिनों का लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को किस तरीके से पाया, उसके लिए किस तरीके से तीव्र गति से काम हुआ, तीव्र गति से फैसले लिए गए? जिस तरीके से एनडीए की सरकार दोबारा एक भारी बंटों से जीत कर आई तो निश्चित तौर पर जनता की बहुत सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं इस सरकार से थी, और पिछले 100 दिनों के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो जितने त्वरित फैसले और जितने दृढ़ प्रतिज्ञ फैसले लिए गए सरकार के द्वारा से, ये एक सरकार एक बड़ा एक संदेश देना चाहती है कि वो जनता के प्रति कितनी जिम्मेदार है। और जैसा कि अभी चर्चा में भी चल रहा था कि आर्टिकल 370, 35A, 3 तलाक और अनलॉफुल जो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, चाहे वो बैंकों का मर्जर हो,
चाहे वो जल शक्ति के विषय में हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, जैसे कि सामाजिक मुद्दों में प्लास्टिक को बैन करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक व्यापक अभियान चला रखा है, स्वच्छता को लेकर एक व्यापक अभियान चला रखा है, योग को लेकर व्यापक अभियान चला रखा है, अभी जिसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया के इन तमाम व्यापक पैरामीटर से अगर देखा जाए तो सरकार बड़े ही सकारात्मक ढंग से इन 100 दिनों में अपने कार्यों को बड़े सही ढंग से करती आ रही है। पिछले अभी लोकसभा और राज्यसभा का जो परफॉर्मेंस रहा अब तक का शायद देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा वर्थफुल, जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा एक सफलतम सेशन रहा, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा बिल पास किए गए, लंबी चर्चाएं की गई। इस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से एक मैसेज और अपने कार्यों के माध्यम से, अपने निर्णयों के माध्यम से भारतीय जनता को, पूरे विश्व को दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं और इसी तरीके से बड़े और मजबूत फैसले सरकार लेती रहेगी। और जनता से की जो अपेक्षा सरकार से है, और मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों को, इन भावनाओं को, जन भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और उन्हीं जन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में जो भी बातें लिखी उल्लेखित की, एक एक करके उन सारी बातों को, सारी प्रोमिसेस को, सारे वायदों को सरकार पूरा करती हुई इन 100 दिनों में दिखाई देती है। और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि सकारात्मक ऐसी हम सबकी भावना है कि सरकार इसी तरीके से अपनी इसी उम्मीदों को बनाए रखेगी। प्रेम, 5 साल तक सरकार सत्ता में रही, उसके बाद दोबारा आई, ज्यादा बड़े बहुमत से सत्ता में आई, इसके बाद सरकार ने कई बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए। आपको लगता है इन ऐतिहासिक कदमों में जो मशीनरी होती है उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्रियान्वयन जो गति है, क्या गति में और तेजी मिली? आमतौर पर जब सरकार बदलती है तो थोड़ा सा शिथिल हो जाती है, 1-1.5 साल ऐसे हो जाते हैं जो योजनाएं आगे बढ़ती ही नहीं है। अमली जामा बहराने में और ज्यादा मदद मिली, इसकी बहुमत बड़ा था, विश्वास ज्यादा था और बड़े फैसले लिए गए जिनको आदमी सोच भी नहीं सकता था, वैसे फैसले लिए गए। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे वो 2019 के लक्ष्य नहीं थे। नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्य 2022 के लक्ष्य थे, 2024 तक के योजनाओं के लक्ष्य थे। यह किसी प्रधानमंत्री या किसी अगुआ या मुखिया का यह आत्मविश्वास दिखाता है कि उसे लगता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है कि 5 साल बाद जब वो जनता के बीच में जाएगा तो जनता उसके कार्यों पर निश्चित तौर पर मुहर लगाएगी। तो ये आत्मविश्वास उस सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को, अपने कार्यों को लेके था, इसलिए जो उनकी कार्ययोजना थी, भले वो वस्तुतः चुनाव उस सरकार के लिए कल्प विराम था, उनकी आगे की कार्ययोजना, उनकी प्लानिंग जारी थी। और यही कारण है कि सरकार बनने के बाद आप इन 100 दिनों में ऐसे तमाम बड़े फैसले देख रहे हैं जिन फैसलों ने न केवल प्रदेश की, देश की, बल्कि विश्व की सोच, वैचारिकी और विमर्श की दिशा बदल दी। बिल्कुल, जब चुनाव चल रहा था तभी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्लानिंग 100 दिन की तय कर रखी थी और उसको लागू करने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और दुगनी तेजी से काम हुआ। कार्य गति में जो विस्तार मिला है, निर्णय लेने की क्षमता, जो निर्णय लिए गए हैं उनमें तेजी और गति आई। देखिए, बड़ी ये एक बहुत स्वाभाविक बात है कि जब नेतृत्व स्पष्ट होता है, नेतृत्व की नीति स्पष्ट होती है, नियत स्पष्ट होती है, दिशा स्पष्ट होती है, तो जो उसका मातहत है उसका भी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि हमें क्या करना है और किस दिशा में करना है। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि हमें क्या करना है, इसलिए जो चुनाव का समय था उसमें जो उनके अधिकारी थे या जो सरकार की मशीनरी थी वो अगली सरकार के एजेंडे पे काम कर रही थी कि किन किन योजनाओं को आगे बढ़ाना है, किन किन कार्यों में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ये अच्छी बात थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार और अधिक बहुमत से आई, जनता का और अधिक विश्वास लेकर आई, तो ऐसे में जो कड़े फैसले लेने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है और उस पर जो जनता का के विश्वास से मिली ताकत थी वो और मजबूत हुई। इसलिए आप ये देखिए कि चाहे आम तौर पे जो परीक्षा की सामान्य अवधारणा होती, कहते हैं कि जो पहले सवाल आपको आता है उसको पहले हल करिए और जो कठिन सवाल है उसको बाद में हल करिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें सभी प्रश्न आते हैं तो उनके लिए हर सवाल समान होता है। तो अनुच्छेद 370 और 35 जैसे विषयों पे जो केवल राष्ट्रीय राजनीति का विषय नहीं है या हमारे एक क्षेत्र का विषय नहीं है, जिसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिसको लेकर चर्चाएं हैं, जिसके लिए हमें एक बड़े कूटनीतिक कौशल की भी जरूरत थी उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एड्रेस करने की, तो इसकी कितनी पूर्व नियोजित तैयारी थी ये आप उस फैसले के बाद आने वाली प्रक्रियाओं से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही पंडित जी,
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। अगर विदेश नीति की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार उन्होंने जिस तरीके से विदेश दौरा किया, और अगर देश के विकास की बात करें, देश की समस्याओं की बात करें, तो जल शक्ति मंत्रालय की उन्होंने संकल्पना चुनाव के दौरान ही कर ली थी और उसको मूर्त रूप दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं सामाजिक संतुलन, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, इन सभी को जो है कह रहे मिश्रण मिलाकर आगे कार्यगत योजना बनाई जा रही है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, सच्चाई ये है कि एक अच्छा नेता वो होता है जो भविष्य की चुनौतियों का अनुमान बहुत पहले लगाए। प्रधानमंत्री मोदी को आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पर जिस तरह से पिछले दिनों फ्रांस में पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस थी वहां जैसे उन्होंने चर्चा की, दावोस में जो आर्थिक सम्मेलन था वहां भी उस विषय को उन्होंने एक दिशा दी, और अभी इधर पॉलिथीन और पानी, पॉलिथीन भी इस तरह से एक दुश्मन के रूप में, समाज के दुश्मन के रूप में, पर्यावरण के दुश्मन के रूप में, आम जन के स्वास्थ्य के दुश्मन के रूप में, इस तरह से एक ऐसी फसल के रूप में खड़ा हो गया कि जिसको उखाड़ फेंकना असंभव सा लगता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि आज के 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले हम एक पॉलिथीन मुक्त समाज में रह रहे थे, लेकिन तो उसमें जिस तरह से उन्होंने संकल्प व्यक्त किया, जलशक्ति मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय बनाया। और जलशक्ति मंत्रालय, देखिए एक शब्द जो होता है ना, शब्दों में एक ताकत होती है, शब्द अपने आप एक संकेत करते हैं कि सरकार क्या सोचती है। देखिए, जल जो है जीवन का आधार है, कोई भी जीवन हो, वनस्पतियां हो, सूक्ष्म जीव हो, वन्य जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे हमारी फसलें हो, पानी के बिना संभव नहीं है। और जब पानी, जो जल जो जीवन देने वाला है, उसका ही जीवन खतरे में पड़ जाए तो सिविलाइजेशन का क्या होगा? और बड़ी चीज, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका तो पूरा भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। पानी का संकट, बीमार होती भूमि, ग्लोबल वार्मिंग, घटते वनावरण, घटता जलावरण, सिकुड़ते तालाब, मरती नदियां, ये तस्वीर भयावह तस्वीर है। और इस तस्वीर को अगर एक राजनेता बहुत गंभीरता से लेता हो, गहराई से लेता हो, तो इस देश के लिए खुशी की बात है। और मैं मानता हूं कि पर्यावरण जैसे विषय में प्रधानमंत्री जी को पिछले साल एक बड़ा पुरस्कार मिला था। तो मैं मानता हूं कि पर्यावरण को लेकर के अगर कोई राजनेता इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से सोचता है, तो ये भरोसा होता है कि जो प्लैनेट अर्थ है ये सेफ है, सही हाथों में है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है कि जिस तरह से उपनिषद काल में ये धरती विश्व का नेतृत्व करती थी, विशेष रूप से पर्यावरण के मुद्दों में, तो पुनः पर्यावरण के विषयों पर हम सिरमौर हो गए और दुनिया को दिशा देंगे, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो आचरण है, हमारी जो सोच है, उसमें वो चीज शामिल है। ये बीच का जो भटकाव का दौर था, तो मैं मानता हूं कि पानी को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया, और उस फैसले को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया है। तो पानी को लेकर के लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं, ये जरूर है कि पर्यावरण की जो चुनौतियां, इसमें जन भागीदारी आवश्यक है, इसे प्रधानमंत्री का आह्वान लोगों से जुड़े, जन आंदोलन बने। अमित जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखते हैं इस सरकार को, जो फैसले ले रही है, जिस तरीके से ले रही है, आप क्या देखते हैं, क्या कुछ राजनीति में परिवर्तन देखते हैं? देश जिसके पहले सिर्फ चर्चा हुआ करती थी, लोग चर्चा भी नहीं करते थे जिन मुद्दों पर, आज उन पर फैसले लिए जा रहे हैं, कड़ाई से फैसले लिए जा रहे हैं, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर रखा जा रहा है, आप क्या देखते हैं, चेंजेस किस तरीके के देखते हैं आप? जब नीति बहुत स्पष्ट हो और नियति बहुत साफ हो, तो शायद निर्णय लेने में कभी कोई संकोच किसी भी सरकार को कभी हो नहीं सकता, ऐसा इस सरकार ने करके दिखाया है। पिछले कुछ वर्षों से, या हम अगर थोड़ा और पीछे जाएं, आजादी के समय से हमने कभी ना कभी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को साधे रखने के लिए राजनीति की, कभी ना किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजनीति की, कभी किसी जाति विशेष के लिए राजनीति की, कभी क्षेत्र विशेष के लिए, भाषा विशेष के लिए, ऐसे तमाम जो हमारे देश में भिन्नता और जो डायवर्सिटी को दिखाने वाले पैरामीटर्स हैं, इसको खुश करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को हमने राजनीति को एक मूल सिद्धांत के रूप में देखा है। लेकिन 2014 के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ये देखने को आया कि लोगों ने देश हित को सबसे सर्वोपरि रखा, राष्ट्र हित को सबसे ज्यादा तरजीह दी, इम्पोर्टेंस दिया, और ये मुद्दे अपने आप में एक प्रेरणा के मुद्दे हैं। हर सरकार इस तरीके के एक सघन और स्पष्ट मुद्दों पर अपनी राय को रखना चाहती है। पिछली कुछ सरकारों ने, गठबंधन की सरकारें रहीं, निर्णय लेने में उनकी बड़ी खामियां रहीं, आपस की नूरा कुश्ती रही, स्पष्ट नीति नहीं रही, नियत साफ नहीं रही, ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। लेकिन
जब सरकार 2014 के बाद आई कि लोगों की जन आकांक्षाएं यही थी कि ये सरकार स्पष्ट रूप से काम करेगी और देश के हित में काम करेगी, और इस सरकार ने शुरू से लेके अभी तक हम देखते आ रहे हैं इसके प्रत्येक निर्णयों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये फैसला किसके लिए लिया गया है। जितनी भी नीतियां बनाई गई सब कुछ सारी नीतियां जनहित से प्रेरित दिखाई देती हैं। जी प्रेम, ऐसे फैसले लिए गए जो राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय जो लोगों के हित के लिए होते हैं, उनमें से एक फैसला मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन विधेयक है। आप देखते हैं हमारा देश में दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और इस फैसले को लेकर ढेर सारी चीजें उठाई जा रही हैं, लेकिन वो कितना गंभीर विषय है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो जब हम तुलना करते हैं अमेरिका की, लेकिन नियम कायदों की बात करते हैं तो फिर वैसे ही बात होती है, लेकिन सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई और ये बड़ा दूरगामी फैसला रहा। ये देखिए पिछले 6 सालों की राजनीति में, 5 से 6 सालों की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और आया है। हमने राजनीति में सहज लोकप्रिय फैसलों की दिशा और दशा तो देखी है, निर्णय लेने की सरकारों की कार्य क्षमता तो देखी है, लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि एक ऐसी सरकार आती है जो ऐसे फैसले लेती है जो सहज लोकप्रिय नहीं है, जिनके कड़े परिणाम हैं, लेकिन जनता उसको बड़ी ही सहर्षता के साथ स्वीकार करती है। नोटबंदी एक ऐसा ही फैसला था, इसके बाद आप अनुच्छेद 370 के फैसले को इतना आसान नहीं कह सकते, और जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जरा संशोधन, ये वो फैसले हैं जो हर आदमी, हर घर, हर परिवार, हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कड़ा कदम उठाना, ये सरकार का ये आत्मविश्वास दिखाता है कि हम जनता को ये समझाने में सफल होंगे कि इस निर्णय के क्या फायदे हैं। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो कदम उठाए गए हैं, एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या है, निश्चित तौर पर बीमारियों से भी अधिक मौतें इस देश में दुर्घटनाओं के कारण होती हैं, और दुर्घटनाओं के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है मृत्यु में 50 से 60% जो मामले होते हैं वो ट्रामा के मामले होते हैं। ट्रामा के मामले यानी सिर में चोट लगने के मामले, हेलमेट न पहनना उसकी एक बड़ी वजह है, यातायात नियमों का पालन न करना दुर्घटना के एक बड़े, शराब पी के गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो तमाम ऐसे नियम हैं उनका पालन न करा पाना एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए जो विरोध के स्वर हैं, लोकतंत्र है, सहमत या असहमत के स्वर उठते हैं, उठने चाहिए। ये जरूर है कि ये नियम कड़ा है, निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी नियम, किसी भी कानून की नीति कितनी भी अच्छी हो, नियत कितनी भी अच्छी हो, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जो हमारी क्रियान्वयन की मशीनरी है, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उसको ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, उसकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है और उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, अन्यथा ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, आप ये देखिए कि सरकार एक तरफ बड़े फैसले लेती है, दूसरी तरफ जो सामाजिक सरोकार के या सामाजिक भागीदारी के विषय है उसमें वो जनता को अपने साथ लेकर चलती है। पहली सरकार में जो स्वच्छ भारत मिशन था वो बिना जनता की भागीदारी के पूरा नहीं होने वाला था। अब जब प्रधानमंत्री जब हर घर जल का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जो 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में पाइप वाटर पहुंचाएंगे, तो ये टैप वाटर पहुंचाएंगे और हम जल संरक्षण करेंगे, भूगर्भ जल बढ़ाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये आंदोलन, ये कार्यक्रम केवल कानून से पूरा नहीं हो सकता, ये कानून के डर या डंडे से पूरा नहीं हो सकता। जब तक इसका जनता का जुड़ाव नहीं होगा, जनता इसे अपने सरोकारों, अपने आदतों और संस्कारों में नहीं जोड़ेगी, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री इस अभियान को जनता के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये बताती है कि रणनीतिक तौर पर सरकार की दिशा और नीति कितनी साफ है कि हमें अपने किस कार्यक्रम को कैसे लागू करना है, उसमें किन घटकों की जरूरत है, उसको लेकर नीति स्पष्ट है, इसलिए वो क्रियान्वयन की दिशा में भी अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से बढ़ रही है। चंद्रभूषण जी, बड़ा कठिन दौर रहा होगा जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और ढेर सारी लोक लुभावन राजनीति से जो फैसले थे उनसे अलग हटकर फैसले लिए गए। 3 तलाक जैसे इशू जिस पे हमारी मुस्लिम महिलाएं सदियों से ये कुप्रथा का दंश झेल रही थी, उनकी जो स्थिति थी आजादी से अब तक किसी ने विचार नहीं किया, और ढेर सारे ऐसे फैसले लिए गए जो उनके हक में नहीं थे। पहली बार ऐसा फैसला लिया गया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ाई से योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमारे यहाँ पुलिस मशीनरी जो भी एनआईए है सभी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति है प्रधानमंत्री की उस पर लगातार काम किया जा रहा है। यूएपीए की अगर बात करें कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा
कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई के तहत हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इसकी पहली कार्रवाई कर भी दी गई है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जनहित के जो लोक लुभावन फैसले हैं उनसे हटकर एक नई राजनीति की ओर जाना, ये कैसे किस दौर पे जो है कह रहे हैं, क्यों निर्णय लिया गया ऐसा? क्योंकि भारतीय राजनीति में हमेशा ऐसे ही लोग निर्णय लिया करते थे जो लोक लुभावन बहुत होते थे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते थे और कि संसदीय लोकतंत्र सस्ती लोकप्रियता पर आधारित होता है। इस संसदीय लोकतंत्र का बड़ा स्थापित दुर्गुण था कि आप सस्ते फैसले लेते हैं, जैसे कि अभी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी कई एक लोक लुभावन फैसले लेके आई, जनता ने उसको दरकिनार कर दिया। देखिए क्या है कि अगर एक मजबूत भारत खड़ा करना है, एक श्रेष्ठ भारत खड़ा करना है, एक नया भारत जो उभर रहा है, जो विकसित भारत उभर रहा है, जो विश्व की महाशक्ति आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, तकनीकी कौशल का एक बड़ा प्रतिष्ठान यहां उभर रहा है, उन परिस्थितियों में इस देश को बड़े मन से, बड़े मस्तिष्क से, उदार मन से फैसले लेने पड़ेंगे। मोदी जी का अपना एक सपना है कि एक मजबूत भारत तभी बन सकता है जब इसमें हर आदमी भागीदारी करे, महिला हो या पुरुष हो, गांव का हो या शहर का, गरीब हो या अमीर हो, सब भागीदारी करे। और एक समय ऐसा आएगा कि सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में अब केवल दो जातियां होगी, एक जाति वो समृद्ध लोगों की जाति होगी और दूसरे वो लोग होंगे जिनको समृद्ध बनना शेष रह गया है और उनको हम पकड़ के ऊपर उठाएंगे। तो देखिए, भारत की राजनीति में एक नई दिशा, एक नया विमर्श, एक नया अध्याय शुरू हुआ है और वो स्थापित हो गया 5 साल बाद। और उसमें ये है कि जातियां और धर्म के आधार पर भेदभाव इतिहास के पन्ने की चीज हो गई, वोट बैंक इतिहास के पन्ने की चीज हो गई, आम लोगों का विकास में जो हिस्सा है उसमें जो लीकेजेज है वो पुराने दिन की बात होगी। आपको पता है कि अब एक बटन हम क्लिक करते हैं, अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 1,54,000 करोड़ रुपए अगस्त महीने में यूपीआई के थ्रू ट्रांसैक्ट हुआ है। तो देखिए जिस तरह से चीजें बदल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, आतंक मुक्त भारत, भेदभाव मुक्त भारत, और इस तरह के ये बदलाव कहीं न कहीं एक उभरती हुई महाशक्ति की ओर संकेत करते हैं। अमित जी, इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने 100 विदेशी यात्राएं की, विदेश नीति के बारे में जिस तरीके से द्विपक्षीय संबंध भारत के लगातार बेहतर हो रहे हैं विभिन्न देशों से, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और कई मुस्लिम देशों ने उनको एक बड़े सम्मान से भी नवाजा इस दौरान, आप किस तरीके से देखते हैं इस कदम? देखिए, ये तो एक ऐसा सिलसिला है जो लगभग 2014 में शुरू हुआ और मोदी जी उसे फिर साहस उस नई चुनौतियों के साथ लेकर आगे जा रहे हैं। अब 100 दिनों में लगभग उन्होंने 7 देशों की यात्राएं की, मालदीव, श्रीलंका, फिर उसके बाद भूटान, उसके बाद बहरीन, यूएई, फिर फ्रांस में पेरिस में भी कॉन्फ्रेंस, अभी फिलहाल रशिया में है। ये एक संदेश देता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था का, एक विकसित अर्थव्यवस्था का और एक समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का, कि ये भारत अब वो भारत नहीं है जो विश्व की तमाम शक्तियों के साथ हमेशा से जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता था, ये निरंतर चलने वाला है। भारत की अपनी भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एक बड़ा लोकतंत्र है जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि ये स्पष्ट करती है कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष ये भारत के इतिहास का होगा, भारत के विजय का होगा। इस लिहाज से, विदेश नीति के लिहाज से मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में बहुत ही सकारात्मक ढंग से 370 के मुद्दे को अगर उठाकर आप देखें, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें समर्थन मिला है, सरकार को समर्थन मिला है, ये स्पष्ट करता है कि भारत सरकार आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी किस छवि के लिए जानी जाती है और किस प्रभाव के लिए जानी जाती है। किसी भी देश ने खुलकर उसका विरोध नहीं किया, सभी ने इस बात को माना कि यह भारत का अपना आंतरिक मामला है और हम उसके फैसले की का समर्थन करते हैं। प्रेम, अनुच्छेद 370 और 35A जैसे मुद्दों पर आज पूरी दुनिया का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है ये, जो इसकी भूमिका तैयार की गई थी उसे किस तरीके से देखते हैं आप? पूरी तरीके से सफल भूमिका आज पूरे देश दुनिया में, आज भारत के साथ खड़ा है पूरा विश्व। देखिए, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने का उनका अपना एजेंडा था और उसको लेकर जनता के बीच में गए थे, और जाहिर है जब जनता के बीच में गए थे तो उन्हें उस पर समर्थन भी मिला था, और जिन जम्मू कश्मीर राज्य जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला था वहां भी भाजपा सीटें जीती थी और भाजपा के वोट का प्रतिशत वहां भी बढ़ा था। तो ये बताता है कि जनता का इस निर्णय के पीछे समर्थन था।
फ्लोर मैनेजमेंट आप देखिए कितना अच्छा था सरकार का कि राज्यसभा में संख्या कम होने के बाद भी राज्यसभा में भी पूरी ताकत के साथ ये बिल पास होता है। और चूंकि ये निर्णय बड़ा था, इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम थे, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय था, इसलिए उसके लिए परिवेश और वातावरण तैयार किया गया था। यही कारण है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया के तमाम मंचों पर अपना राग गाता रहा, लेकिन उसे हर जगह निराशा हुई। और खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा कि दुनिया हमारे लिए केक लेकर बैठी नहीं जी। तो ये बताता है कि रणनीतिक तौर पे आप कितने सफल। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक फैसला जो है बैंकों के विलय का भी फैसला जो है वो भी अहम फैसला है, क्योंकि ये जो आर्थिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें हम जीडीपी के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और कुछ आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर बैंकों के विलय से जो उनको 55,000 करोड़ का एक बड़ा पैकेज भी सरकार देने जा रही है, जिससे 5,00,000 करोड़ के नए ऋणों का सृजन होगा और रेपो रेट से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। तो मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे 100 दिन पूरे हो गए हैं, सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। अब आपको मुख्य चुनौतियां आगे क्या लगती हैं, लक्ष्य अब क्या होगा सरकार का इसके आगे? देखिए, असली हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है कि नया भारत मजबूती से खड़ा हो सके, जिसमें हम 2 डिजिट इकोनॉमी में अपने को जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाना है उसको हम नहीं पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर, जी ने ये भी एक बड़ा लक्ष्य दिया है, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से हम मजबूती से आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में एक विकसित भारत खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया भारत विकसित भारत बनेगा हमारा। आप सभी लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए आभार। हमारे पास आज समय इतना ही था। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में एक नए भारत में सभी लोगों की जन सहभागिता होगी, सामाजिक आंदोलन में सभी लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।